नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सियासी संकट के बीच राजस्थान सरकार के ताबड़तोड़ फैसले, 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को और मिलेगी 1000 रुपए की अनुग्रह राशि। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लॉकडाउन से प्रभावित 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को 1000 रुपए अनुग्रह राशि एक बार और देने का निर्णय किया है। इस पर 351 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही बैठक में पर्यटन एवं इससे जुड़े उद्योगों को संबल देने के उद्देश्य से वित्तीय एवं गैर वित्तीय राहत उपायों का अनुमोदन किया गया। मंत्री परिषद ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति, कृषि सहकारिता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए। बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से प्रभावित हुए 35 लाख बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है तथा निराश्रित असहाय स्ट्रीट वेंडर सहित जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल एवं तात्कालिक राहत देने के लिए 1000 रुपए के अनुग्रह राशि एक बार और देने का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया। इससे आजीविका की परेशानी झेल रहे इन परिवारों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने पूर्व में भी लॉकडाउन के दौरान इन परिवारों को 2500 रुपए की अनुग्रह राशि दी थी। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटन एवं होटल व्यवसाय व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। यह सेक्टर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। साथ ही इस क्षेत्र से लाखों लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। मंत्री परिषद ने राजस्थान विदेश निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2019 के तहत पर्यटन, होटल एवं मल्टीप्लेक्स सेक्टर की इकाइयों को एक वर्ष के लिए अतिरिक्त लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत वे इकाइयां पात्र होंगी जो अपनी गतिविधि 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच प्रारंभ करेंगी और साथ ही जिनकी पात्रता अवधि 31 दिसंबर 2019 के बाद ही शेष है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पत्रकार विक्रम जुआन संजय सिंह बोले, यूपी में योगी का जंगल राज। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशले में अब पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं विपक्ष ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। संजय सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी का जंगल राज है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि अत्यंत दुखद खबर, उत्तर प्रदेश में न्याय मांगना भी गुनाह हो गया है। पत्रकार विक्रम जोशी ने वारदात से 2 घंटे पहले पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन एसओ ने कोई मदद नहीं की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से बदला मौसम, दिन में छाया अंधेरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का दौर जारी है। यहां सुबह से ही घने बादल छाए हुए थे। मौसम विभाग ने पहले ही आज के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद राजधानी के निचले इलाकों में जलजमाव हो गया है और गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार की सुबह एक अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक रिंग रोड पर WHO बिल्डिंग के पास जलभराव के कारण भैरव मार्ग से IP फ्लाईओवर की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, दिल्ली में मंगलवार को भी भारी बारिश हुई। यहां सफदरजंग और लोधी रोड मौसम केंद्रों में लगभग 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम में भी बुधवार को मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार यानी आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की पूरी संभावना पहले ही जता चुका है। हालांकि 23 जुलाई से बारिश की तीव्रता और वितरण में कमी आने की संभावना है, यानी गुरुवार के बाद बारिश कम हो सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार की शाम ही आज यानी बुधवार को पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। साथ ही दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे हिसार, भिवानी, जिंद, मेहम, कैथल, पानीपत, रोहतक, झज्जर, करनाल और कुरुक्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता से भरी पूर्व से आने वाली हवाओं और अरब सागर से दक्षिण पूर्वी हवाओं का अभिसरण उत्तर पश्चिमी भारत की ओर होने की संभावना है। मानसून ट्रफ भी इस ओर से ही गुजर रहा है और 2 कारणों से दिल्ली NCR मध्यम से भारी बारिश हुई। सफदरजंग वैद्यशाला ने जुलाई में अब तक कुल 127.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन नवंबर तक आएगी भारत, ये होगी कीमत। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार कोविड-19 के टीके का ट्रायल भारत में शुरू होगा। लाइसेंस मिलने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ब्रिटेन में शोधकर्ताओं के साथ भागीदारी करने वाली भारतीय कंपनी ने यह जानकारी दी। लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित ट्रायल के परिणामों के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण में HZD
1222 टीके के नतीजे सकारात्मक रहे हैं। इसके किसी तरह के गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिन्हें पैरासीटामोल के जरिए दूर किया जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला ने कहा कि परीक्षण के काफी सकारात्मक नतीजे मिले हैं और इस बारे में वह बहुत ज्यादा खुश हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं के साथ करार कर रही है। 1000 रुपए के आसपास मिलेगी वैक्सीन। कोरोना वायरस वैक्सीन को बनाने में भारतीय कंपनी सीरम की भी अहम भूमिका रहेगी। सीरम दुनिया में दवा बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि कंपनी 1 हफ्ते के अंदर इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने का लाइसेंस लेने के लिए भारतीय दवा नियामक को अर्जी देगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा कि संभावित वैक्सीन कोविशील्ड की भारत में कीमत लगभग 1000 रुपए होगी। उनके मुताबिक वैक्सीन की कम से कम 40 करोड़ खुराक दिसंबर तक तैयार हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम परीक्षण के लिए लाइसेंस हासिल करने हेतु 1 हफ्ते के अंदर भारतीय नियामक के पास आवेदन करेंगे। जैसे ही मंजूरी मिल जाती है हम भारत में टीके का परीक्षण शुरू कर देंगे। इसके अलावा हम जल्द ही भारत में बड़ी मात्रा में टीके का निर्माण भी शुरू करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने DU पर कानूनी कार्रवाई के दिए आदेश। जाने क्या है मामला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच कॉलेजों के गवर्निंग बॉडी के गठन को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस विवाद के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय को दिल्ली यूनिवर्सिटी पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। मनीष सिसोदिया ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी में 6 सदस्यों की सूची भेजने का आग्रह कई बार किया गया है। इसमें लक्ष्मीबाई कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, केशव महाविद्यालय, आदिति कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाना है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पैनल के लिए नाम ही नहीं भेजा है। इनमें से कुछ कॉलेजों ने गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि इन कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी का पूरा पैनल ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कॉलेजों में भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस विषय में दिल्ली सरकार के कई पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया है, इसीलिए दिल्ली सरकार का उच्च शिक्षा निदेशालय दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजों में दिल्ली सरकार द्वारा आंशिक और कुछ कॉलेजों में पूर्ण फंडिंग की जाती है। उप मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा निदेशालय को इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। विवाद से जुड़े मुख्य बिंदु, दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मनीष सिसोदिया ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखा। इसमें गवर्निंग बॉडी के पैनल का नाम बार बार मांगने के बावजूद नहीं भेजने का कारण बताया। पत्र में उप मुख्यमंत्री ने लिखा कि दिल्ली सरकार के द्वारा आंशिक और पूरी तरह से वित्त पोषित कई कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी का पुनर्गठन नहीं किया गया है और कॉलेज मार्च 2019 के बाद से अधूरी गवर्निंग बॉडी के साथ काम कर रहे हैं। सिसोदिया ने लिखा कि मुझे बताया गया है कि को बार बार याद दिलाने के बावजूद नामों का पूरा पैनल नहीं भेजा गया। कुछ कॉलेजों ने पूर्व में भी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, यह साजिश की तरफ इशारा करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी MLA श्याम प्रकाश का अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला। बोले, इतना भ्रष्टाचार आज तक नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, हरदोई के गोपामऊ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सिस्टम पर करारी चोट करने वाले श्याम प्रकाश ने कहा है कि प्रदेश में अब तो भ्रष्टाचार चरम पर है। हरदोई के गोपामऊ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना दर्द पोस्ट किया है। भाजपा विधायक ने लिखा है कि मैंने अपने इतने बड़े राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार आज तक नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि जितना भ्रष्टाचार अभी देख और सुन रहा हूं, वह बेहद डराने वाला है। जिससे भी किसी दूसरे के भ्रष्टाचार की शिकायत करो, वह उससे वसूली में लग जाता है। किसी भी मामले का निस्तारण नहीं हो रहा है, वसूली जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ही सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोलने वाले हरदोई की गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने वर्तमान में भ्रष्टाचार की बात लिखी है। विधायक ने अपनी फेसबुक ID पर लिखा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना इस समय देख और सुन रहा हूं। जिससे शिकायत करो, वह खुद वसूली कर लेता है। विधायक की यह पहली पोस्ट नहीं है। इससे पहले भी वह सरकार और सिस्टम के साथ ही अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से लिख चुके हैं। विधायक श्याम प्रकाश सपा छोड़कर चुनाव के पहले भाजपा में शामिल हुए थे और वह बसपा व कांग्रेस में भी रहे हैं। चुनाव के पहले सपा की सरकार में रहते हुए भी उन्होंने फेसबुक को ही बोलने का जरिया बनाया था। उस समय उनकी लिखी गई पोस्टों के बाद अब फिर लिखी जा रही पोस्टों पर राजनीतिक जानकार अलग अलग कयास लगा रहे हैं। श्याम प्रकाश ने इससे पहले भी कोविड फंड में विधायक निधि के दुरुपयोग पर आपत्ति जताने के बाद अपनी बची विधायक निधि वापस मांगी थी। हरदोई के गोपामऊ के विधायक श्याम प्रकाश अक्सर ही अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर चर्चा में रहते हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, बिहार सरकार के नियंत्रण से बाहर कोरोना, सुशासन का पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 11 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में हालात को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली से टीम भेजी जा रही है। कोरोना से निपटने में नीतीश सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के हालात पर नीतीश सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ट्वीट करके कहा कि बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति नाजुक है और राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह, जून बिहार में वर्चुअल रैली, जुलाई राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश, इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। वहीं 19 जून को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि कोविड 19 हो या GDP या फिर चीनी घुसपैठ, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय महत्व के इन सभी मुद्दों पर झूठ बोल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र पर एक तीर से दो वार, कहा उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। जी हां दोस्तों, एक दिन पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को मिलकर शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ममता ने बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कानपुर कांड को लेकर वहां की राज्य सरकार को भी घेरने की कोशिश की। ममता ने कहा, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, उस राज्य के लोग पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से डरते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने हमें नजरअंदाज किया है, पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, बाहरी लोग राज्य नहीं चलाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, वे लोगों को मारने की बातें करते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सोमवार को मुलाकात की और राज्य के चिंताजनक हालात पर उनके साथ चर्चा की। अमित शाह से मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने बंगाल के कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की और कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर चट्टान के आखिरी चोट पर है। राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल अभी तक सोशल मीडिया के जरिए मंत्रियों और नौकरशाहों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन यह पहली बार है जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर राज्य की स्थितियों के बारे में अवगत कराया है। राजभवन में बयान में कहा कि राज्य की चिंताजनक और खतरनाक रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना और पुलिस की अत्यधिक पक्षपातपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद राहत वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को लेकर भी चर्चा हुई। राज्यपाल ने धनखड़ ने संकेत दिया कि जरूरतमंदों और हकदार व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने बजाय सत्ताधारी दल के सदस्यों को ध्यान दिया गया, इस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए राज्य ने कोई कदम नहीं उठाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से शेल्टर होम की फंडिंग का मांगा ब्यौरा, संरक्षण गृहों में बच्चों को कोरोना से बचाने का मामला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से संरक्षण गृहों को दिए जाने वाले फंड और उसके उपयोग का ब्यौरा मांगा है। मामले पर कोर्ट ने 13 अगस्त को फिर सुनवाई करेगा। ये आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने बाल संरक्षण गृहों के बच्चों को कोरोना महामारी से बचाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही सुनवाई के दौरान दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई में मदद कर रहे न्याय मित्र गौरव अग्रवाल से कहा है कि वह एक नोट तैयार करें जिसमें बताएं कि कानून के मुताबिक बाल संरक्षण गृहों में बच्चों के कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, क्या आवश्यकता है, और उस नोट को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी भेजे। राज्यों के उस पर आने वाले जवाब को भी अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश किया जाए ताकि कोर्ट सभी के लिए समान आदेश जारी कर सके। सुनवाई के दौरान अग्रवाल ने कोर्ट में एक नोट देकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जुविनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन कानून के तहत बच्चों की देखभाल लिए चलाई जा रही योजना का ब्यौरा दिया। अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र 60% और राज्य 40% फंड देते हैं। केंद्र की ओर से राज्यों को दिया जाने वाला कोष तय है। कोर्ट ने कहा कि उनके लिए सभी राज्यों को अलग अलग सुनना संभव नहीं है। बच्चों की देखभाल करना, उनकी जरूरतों और शिक्षा आदि पर ध्यान देना राज्यों की जिम्मेदारी है। पीठ ने अग्रवाल से कहा कि वे सभी राज्यों का इनपुट लेकर संकलित कर एक नोट बनाकर कोर्ट के सामने पेश
करें ताकि सभी के लिए एक समान आदेश जारी किया जा सके। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश ASG ऐश्वर्या भाटी से कहा कि केंद्र सरकार 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर राज्यों को संरक्षण गृहों के प्रबंधन के लिए दिए जाने वाले कोष और खर्च तथा उपयोग का ब्यौरा पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए और तमिलनाडु के बाद संरक्षण गृह में रहने वाले बच्चों को कोरोना संक्रमित होने पर इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने बच्चों को संक्रमण से बचाने के उपाय करने के लिए विस्तृत आदेश दिए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का चुनावी बिगुल, बोली बंगाल को बंगाली चलाएंगे ना कि बाहरी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को बाहरी लोगों की पार्टी करार दिया है और कहा है कि बंगाल के लोग राज्य को चलाएंगे ना कि बाहरी लोग। बनर्जी ने शहीद दिवस के मौके पर एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में किसी भी बाहरी व्यक्ति का शासन नहीं होगा, राज्य में बंगाली लोगों का शासन होगा। तृणमूल प्रमुख ने राजस्थान में राजनीतिक उथल पुथल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर सीधा हमला बोला और पूछा, गुजरात को क्यों सभी राज्यों पर शासन करना चाहिए। बनर्जी ने कहा कि चक्रवाती तूफान अम्फान से प्रभावित सभी लोगों को सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आज ही के दिन वर्ष 1993 में पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में हमारे 13 कार्यकर्ता शहीद हो गए थे। इस शहादत दिवस के अवसर पर हम राजनीतिक हिंसा के शिकार सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बनर्जी ने कहा कि शहीदों की याद में 1993 के बाद से हम हर वर्ष वार्षिक रैली का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को लेकर लागू प्रतिबंधों के कारण शहीद दिवस को दूसरे तरीके से मना रहे हैं। बनर्जी ने कहा, मैं अपने भाइयों एवं बहनों को प्रत्येक बूथ पर संबोधित करूंगी। यदि लोगों ने फिर से हमें अपना आशीर्वाद दिया तो जुलाई 2021 में अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित करूंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का चुनावी बिगुल, बोली सत्ता में लौटे तो गरीबों की जिंदगी भर देंगे मुफ्त राशन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने मुफ्त राशन से लेकर कोरोना और चुनाव से लेकर CAA NPR तक की बात की। ममता बनर्जी ने कहा कि 2021 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो गरीबों को पूरी जिंदगी मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे अपना वादा बताया। ममता बनर्जी ने वर्चुअल रैली में कहा, हम लोगों को लॉकडाउन के पहले से फ्री राशन दे रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जून 2021 तक हम इसे देते रहेंगे। इसी बीच उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली से जो हमें शर्मिंदगी मिली है, हम उसका बदला केंद्र से लेंगे। बाहरी लोगों को बंगाल पर राज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमें पता है कि लोगों के लिए कैसे खड़ा होना है। कोई ऐसा ना समझे कि TMC कमजोर है। BJP पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, ऐसे लोगों में कोई क्वालिटी नहीं है। ये लोग है, ये लोग केवल जुबान चलाते हैं और नफरत फैलाने के लिए बोलते हैं। ये लोगों को हिंसा फैलाने के लिए कहते हैं। आर्टिस्ट और शिक्षाविद पर हमले कर रहे हैं। बंगाल में कोविड है, इसका मतलब यह नहीं कि हम CAA और NRC भूल गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, देश का नागरिक कौन हो यह तय करने का अधिकार DM को है, राज्य को इसका अधिकार है। केंद्र कौन होता है जो इस पर नए नियम बनाकर अपने ही लोगों को परेशान करे। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और लोगों में लड़ाई कराते हैं। हिंदू बनाम मुस्लिम और कामतापुरी बनाम राजवंशी, सब कुछ सोच समझकर किया जा रहा है। ममता ने कहा, हमने ट्रेनों का पैसा चुकाया, बंगाल आने वाले श्रमिकों पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए। रैली में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि बहुत जल्द किसानों के लिए कृषक बंधु कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। किसानों के लिए बीमा शुरू होगा। किसानों को आदिवासी जमीनें दी गई हैं। उन्होंने कहा, कोई विकास की बात नहीं कर रहा है। हमें बंगाल में केवल 8 साल मिले हैं, लेकिन केंद्र सरकार बंगाल में कठिनाई पैदा करने के लिए अपना कार्ड खेल रही है। मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि बंगाल के सभी जिलों में आम लोगों से मिले, देखे कि बंगाल कितना शांत है। UP के लोगों में अफरा तफरी मची है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, कोरोना महामारी के कारण विधानसभा चुनाव पर असमंजस। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग भले ही बिहार में तय समय पर विधानसभा चुनाव कराने की बात कर रहा है, मगर तेजी से बढ़ता कोरोना संक्रमण इसमें मुश्किलें पैदा कर सकता है। अगर अगस्त तक कोरोना के प्रसार में कमी नहीं आई तो विधानसभा चुनाव टलने के आसार बढ़ सकते हैं। हालांकि आयोग के समय पर चुनाव कराने को लेकर सभी दलों के साथ लगातार बात कर रहा है। कई विपक्षी दल कोरोना के मद्देनजर चुनाव टालने पर की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग चुनाव कराने के लिए कई विकल्पों, मसलन बूथों की संख्या बढ़ाने, प्रचार के लिए वर्चुअल तरीका अपनाने जैसे विकल्प पर मंथन कर रहा है। दरअसल जून तक बिहार में कोरोना प्रकोप नियंत्रण होने जैसा दिख रहा था, लेकिन जुलाई में अचानक से मामलों में तेजी आई। अब तक राज्य में संक्रमितों की संख्या 26,000 को पार कर चुकी है। वर्तमान में जैसे हालत है उसमें इनमें और तेजी आने की संभावना है।
कोरोना के कहर के बीच राज्य का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। जाहिर तौर पर कोरोना और बाढ़ का असर चुनावी तैयारियों पर पड़ना तय है। मतदाता सूची को अपडेट करने और नए वोटर का नाम जोड़ने का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल तय समय पर चुनाव की संभावना तलाशी जा रही है। सभी दलों से बातचीत का सिलसिला जारी है। बातचीत की प्रक्रिया पूरी होने और सभी दलों की राय लेने के बाद आयोग इस पर अंतिम फैसला लेगा। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इमरान अली के मुताबिक संविधान संसद को विधानसभा का कार्यकाल 1 साल और फिर 6 महीने के लिए बढ़ाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 172 के तहत ऐसा किया जा सकता है, मगर यह तभी किया जा सकता है जब आपातकाल लगा हो। महामारी या किसी अन्य परिस्थिति के मद्देनजर विधानसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में अगर विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव नहीं कराए जा सके तो फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का ही विकल्प बचता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।